সংকীর্তনে কৃষ্ণ কথোপদেশে গৌড়ীয় পত্রস্য প্রকাশনে চ সদানুরক্ত গুরু ভক্তিযুক্ত ভক্তি প্রমদাক্ষ জগদ্গুরুর্ন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে কলো নরাজন জগতাম পরম গুরুম ত্রিলোকনাথ নত পাদ পঙ্কজম প্রায়েণ মর্তা ভগবন্তমচ্যুতম যক্ষন্তি পসন্দ বিভিন্ন চেতসা কলো নরাজন জগতাম পরম গুরুম ত্রিলোকনাথ নত পাদ পঙ্কজম প্রায়েণ মর্তা ভগবন্তমচ্যুতম যক্ষন্তি পসন্দ বিভিন্ন চেতসা শিশির ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ জি নে বতায়ে যে হাম লোগো কা হৃদয় মে ন্যূনাধিক মায়াবাদ বিচার কে দোষ উপস্থিত হিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ জি নে বতায়ে হাম লোগো কা হৃদয় মে কম ইয়া থোড়া জাদা ন্যূনাধিক মায়াবাদ বিচার উপস্থিত হিসকে দ্বারা হামারা হৃদয় দূষিত হোকে পড়া হুয়া হম আদমি ইসকা মতলব সমঝা নাহি কিউঁ শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এসা বতায়ে হাম তো মায়াবাদী নাহি হ্যাঁ কিউঁ হামারা হৃদয় মে থোড়া সা ভি মায়াবাদ স্পর্শ হোকে রহে তো ইয়ে তো সম্ভব নাহি লেকিন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ জি নে বতায়ে হাম লোগো কা হৃদয় মে অবশ্য থোড়া বহুত মায়া বিচার কে দ্বারা দূষিত হোকে পড়া হুয়া হ্যায় হৃদয় মায়াবাদ বিচার কা ক্যা মতলব হ্যায় ইসকে মানে ক্যা হ্যায় মায়াবাদ বিচার কা মূল মে হ্যায় শিব বিগ্রহ কো নিত্য নাহি মাননা শিব বিগ্রহ কা নিত্য স্বরূপ ভগবত স্বরূপ কা যো নিত্য ভাব হিসক অস্বীকার করার গুরু বৈষ্ণব কা সাথ হামারা যে সম্বন্ধ হে ভি নিত্য হেকিন ইসক নিত্য নাহি মাননা ইয়ে মায়াবাদ বিচার হুরু বৈষ্ণব নিত্য নাহি হ্যাঁ সাধু নিত্য নাহি হ্যাঁ এই মায়াবাদ বিচার কা মূল হ্যায় মায়াবাদী ব্যক্তি এ লোক ভি মন্দির প্রতিষ্ঠা করতা হ্যায় লোক ভি বিগ্রহ কা প্রতিষ্ঠা করকে আরতি আদি সবই উতারতা হ্যায় লেকিন কিউ প্রভুপাদ জি নে এসা বতায়া এ লোক তো করতা হ্যায় পূজা গুরু পূজা ভি এ লোক করতা হ্যায় শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর জি নে বতায়ে এ লোগো কা গুরু পূজা এ লোগো কা ভগবত বিগ্রহ কা পূজা মন্দির প্রতিষ্ঠা করার এ সবসে বড়া কপটতা হ্যায় ইসকে ইসে বড়কর কপটতা হই নাই সকতা কেউ যো গুরু কো তুম মানতে নাহি হো নিত্য
जो गुरु को अपना ब्रह्म उपलब्धि करने के लिए थोड़े से समय के लिए अपना जीवन में ग्रहण किया और ब्रह्म उपलब्धि होने का बाद गुरु को फेंक दोगे, एक गुरु का क्या वैल्यू है, एक गुरु का कीमत क्या है, क्या करोगे एक गुरु देखें? एक गुरु तो वैष्णव जगत माँ वैष्णव जगत का जो विचार है इसमें गुरु नित्य है, भगवान नित्य है, भगवान का जो भक्ति ये भी नित्य है। शायद आप लोगों का ख्याल है, जो लोग कम से कम दीक्षा गौड़िया मठ में लिए हैं, इसमें ऋग्वेद संहिता से एक श्लोक रोज ही आप लोग उच्चारण करते हो संध्या वंदन के पहले। ओम तद्विष्णुम परमं पदम सदा पश्यन्ति सुरयो दिविवो चक्षुरातम। इसका मतलब क्या है? ओम तद्विष्णुम परमं पदम सदा पश्यन्ति सुरयो दिविवो चक्षुरातम। इस ऋग्वेद का मंत्र में बताया गया विष्णु का जो परम पद है, नित्य पद है भगवान का, ये नित्य वस्तु है और गुरु वैष्णव ऋषि मुनियों ने हर वक्त नॉन स्टॉप, इसमें कोई छेद नहीं है भावना का, दर्शन का, हर वक्त ही अप्राकृत जगत का जो भगवान का जो चरण कमल, जगन्नाथ का जो चरण कमल, इसका दर्शन होते रहता है। वास्तव जो साधु गुरु वैष्णव है इन लोगों का सामने जगन्नाथ का जो चरण कमल हर वक्त उदित रहता है हृदय में, ये दर्शन में कोई छेद नहीं है। इसलिए तद्विष्णुं परम पदं सदा पश्यन्ति, सदा मतलब इसमें कोई विराम नहीं है। दिविव चक्षुरातम, आततम सर्व जगत में विस्तृत जो भगवान का चरण कमल है वो आंखें खोल के हर वक्त दर्शन करता है, आंखें उन्मिलन करके हर वक्त इस चरण कमल का, प्रभु का, जगन्नाथ जी के चरण कमल का दर्शन करता है। भक्ति, भगवान और भक्तों, ये तीनों का जो नित्य स्थिति है इसको अस्वीकार करने से मायावाद दोष हमारा हृदय में प्रवेश करता है, हमको दूषित कर देता है। भक्ति, भक्तों और भगवान तीनों का प्लेटफॉर्म एक नहीं होने से, थोड़ा सा अप डाउन होने से, कम बेशी रहने से होता नहीं, सेवा हो नहीं पाएगा। आम आदमी ये सब विषय में कोई ज्ञान नहीं है, जानता नहीं है। मायावादी संप्रदाय में शंकराचार्य जी का विचार है, साधो कानाम हितार्थायो ब्रह्म रूप कल्पना। शंकराचार्य जो मायावाद का आचार्य है, भगवान के आदेश के अनुसार इन्होंने मायावाद ये जगत में प्रचार किया है। अपने तो भगवान शंकर भगवान साक्षात परात्पर अखिलेश्वर भगवान का तो भक्त है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, शंकर साक्षात शंकर। लेकिन भगवान का आदेश मिला तो मायावाद विचार, मायावाद दर्शन ये जगत में प्रचार करके असुर लोगों को वंचित करने के लिए, भक्ति अमृत सा अमृत स्वरूप, भक्ति अमृत इससे वंचित करने के लिए शंकर भगवान असुर लोगों को वंचित करने के लिए ऐसा किया, और कोई कारण नहीं था। साधकानम हितार्थायो ब्रह्म रूप कल्पना, ये मायावाद का विग्रह है,
वो लोगों का भी हमारा ये मंदिर से भी कई गुना बड़ा मंदिर होता है, कोई धूमधाम से गुरु पूजा आरती सब कुछ उतारता है, लेकिन उसमें कोई रियलिटी नहीं है, वास्तवता नहीं है, क्योंकि थोड़े से समय के लिए ये विग्रह को मानने का आदेश है। निराकार में मन को स्थापित करना संभव नहीं है, गीता में भी भगवान बोला, तो तुम निर्विशेष का अर्चन करने जाओगे क्लेशो अधिकतरो ही तेसाम। जो लोग निराकार भगवान का अर्चन करने जाए तो होता नहीं, निराकार ब्रह्मों का कैसे भावना करे, संभव नहीं है। इसलिए शंकराचार्य का जो बात है, ये जो बात है साधो का नाम हितार्थयो ब्रह्म रूप कल्पना, ये सरासर गलत है, झूठा है। अगर परत पर अखिलेश्वर भगवान का कोई आकार नहीं है, ये जगत में सारे वस्तुओं का आकार कहाँ से आया? विज्ञान में एक चीज होता है, जो लोग साइंस पढ़ा है, बड़ा विद्वान है, वो लोग जानता है, विज्ञान में सबसे बड़ा मूल चीज है कॉज एंड इफेक्ट, कार्यों और कारण, ये दोनों एक साथ रहता है। जिस वस्तु में जिस वस्तु का संभावना नहीं है, उस वस्तु से ये वस्तु का उत्पत्ति असंभव है। एक उदाहरण दे तो आपका, एक उदाहरण आपका सामने रख जा दिया जाए तो अच्छा लगेगा। जैसे खीर है, मिल्क, इसको मंथन किया जाए तो इसमें मक्खन निकलता है, लेकिन पानी को मंथन करो तो उसमें कोई मक्खन निकालेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर में इसका पोटेंसी नहीं है, जिससे माखन निकालेगा ये चीज ही नहीं है उसमें। ये जगत जिसका कारण है, जो ब्रह्म वस्तु मायावादी लोग बोलता है, ब्रह्म विकार प्राप्त होकर ये जगत संसार का उत्पत्ति हुआ है, ये सरासर गलत है। कोई मायावादी की हिम्मत नहीं है हमारा सामने उसको प्रमाण करे, वो तो अपना फिलोसॉफी दर्शन तो स्थापित करने का चेष्टा करेगा, लेकिन वो स्थापन करना संभव नहीं है। मूल में भगवान का अप्राकृत आकार नहीं है, उसमें ये आकार सब कहाँ से आया? सारे वस्तु का जो आकार आया है कहाँ से आया? बाइबल में भी लिखा है, गॉड, ईश्वर जो है, क्रिएट ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू हिज ओन फीचर, अपना जो आकार है इसको देखकर भगवान ये जगत में मनुष्य को, मनुष्य लोगों को सृष्टि किया है। लेकिन ये लोग बोलता है, मायावादी बोलता है इसका कोई आकार नहीं है, ये लोग बोलता है। विचार ये होता है, वेदांत सूत्र में एक सूत्र है, न ही प्रतीके न ही सौ, अर्थात इसमें ये विशेष है, जिसको मायावादी लोग प्रतीक बोलता है, प्रतीक थोड़ी देर के लिए उसको माना जाए, ये विग्रह नहीं है। वैष्णव लोगों का जो पूजित पूजित विग्रह है, प्रतिष्ठित विग्रह है, इसमें नित्य स्वरूप है भगवान का, इसका कई प्रमाण है, हम एक आध प्रमाण तो जरूर देंगे, लेकिन वेदांतों का ये जो सूत्र हो इसको उठाकर मायावादी लोग बोलते हैं, ये तो लिखा है, ये तो लिखा है इसमें। लेकिन बात ये है, इसमें खुल्ला खुल्ला पक्का बात है, जे भगवान का जो मूर्ति है, भगवान का जो नित्य स्वरूप है, इसको प्रतीक नहीं माना गया, न ही प्रतीके न ही सौ। सौ मीन संस्कृत में सौ जो शब्द व्यवहार किया जाता है, ये सामने स्पेसिफाई करके,
तो कोई आकार अगर नहीं है तो उसमें आइडेंटिफिकेशन का कोई होता ही नहीं, कोई बात ही नहीं पैदा होता। ये जगत में बहुत सारे आदमी हैं जिन लोग भगवान को नहीं मानता, भगवान का लिए इसका अंदर में कोई भक्ति नहीं है, साधु का लिए भी भक्ति नहीं है। वो लोग बोलता है भगवान निराकार नहीं है। जो लोग बोलता है भगवान नहीं है, ये लोगों का सामने एक ही युक्ति है नीति शास्त्र का, जो नहीं है ये बोलने का तो दरकार ही नहीं होता है। जो वस्तु बिल्कुल नहीं है, हमारा मतलब हमारा बात का जो विचार ये आप लोगों का अंदर में नहीं उतर सकता है, इसलिए मैं एक उदाहरण देके आपको बताने का कोशिश करूं। वेदांतों में दो चीज़ है, एक वस्तु कभी भी नहीं है, जो वस्तु अनंत काल में कभी है ही नहीं, और जो वस्तु है, तो जो वस्तु है नहीं उसका लिए दोबारा नहीं है ये बोलने का कोई जरूरी है नहीं। जो वस्तु नहीं है जैसे अश्वडुम्ब, अश्व का घोड़े का डीम होता ही नहीं, इसीलिए मजेक में मजा करके बताया गया घोड़ा का डीम, क्योंकि घोड़ा का डीम होता ही नहीं। तो घोड़ा का डीम है कि नहीं है इसने कभी तर्क नहीं हो सकता, क्योंकि वो वस्तु है ही नहीं। अगर भगवान है ही नहीं तो उसके लिए भगवान है और भगवान नहीं है, ये दोनों में तर्क होने का कोई सवालत नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। क्यों तर्क होगा? क्योंकि वो वस्तु है नहीं। जो वस्तु है नहीं उसके लिए नहीं है, है ये तर्क नहीं हो सकता। इसलिए मैं एक उदाहरण दूं, जैसे कि कोई आदमी किसी को रुपया उधार दिया और बहुत दिन हो गया वो देता नहीं रुपया, वापस देता नहीं, उसका घर पहुंचा, उसका मकान पर गया और जाके बुला रहे हैं वहाँ से, ये गोपाल बाबू, गोपाल बाबू बोल के चिल्ला रहे हैं। ऊपर से उत्तर आया गोपाल बाबू नहीं है, वो बनारस ही गया। अब प्रश्न है, जब ऊपर से बोला गोपाल बाबू नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गोपाल बाबू वो घर में वो मकान पर नहीं रहता, ये हो ही नहीं सकता। गोपाल बाबू अभी नहीं है, गोपाल बाबू वाराणसी गया, अभी गोपाल बाबू मंदिर में उसका मकान पे मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है, ये हो सकता, ये पक्का बात है। इसे भगवान है कि नहीं ये बात तर्क का विषय नहीं है। भगवान है इसलिए जो लोग मानता नहीं, जोर जबरदस्ती बोलता है भगवान नहीं है, तो भगवान नहीं है ये बात का साथ ये साबित होता है भगवान है। वो लोग तर्क होता है भगवान नहीं है, तो नहीं है ये बात बोलने का साथ साथ ये प्रमाणित होता है भगवान है, नहीं तो नहीं है ये बात ही हो ही नहीं सकता। हमारा गौड़ीय वैष्णव समाज में ये विग्रह, ये मंदिर, ये सब लेके बहुत सारे ऊंचा ऊंचा दर्शन विचार है। अब ये सब विचार बताने का समय भी नहीं है, कम थोड़े समय है, और हालत भी ऐसा कुछ नहीं है जो जिस बात से बात चर्चा किया जाए तो अनुभव में नहीं आए तो चर्चा का क्या दाम है। इसलिए मैं इतना गहरा में नहीं जाने की इच्छा नहीं, जाने का इच्छा नहीं है, थोड़ी सी विचार हम प्रस्तुत करेंगे। जैसे चैतन्य चरितामृत में आपको आपका मालूम है, छोटा विप्रो और बड़ा विप्रो का प्रसंग आता है, यही उड़ीसा का बात है, कटक का साक्षी गोपाल। ये साक्षी गोपाल जी पहले वृंदावन में गोविंद जी का मंदिर का बायां तरफ एक जगह था, गोविंद ये गोपाल जी का मंदिर था। उसके बाद जो छोटा छोटे विप्रो बड़ो विप्रो कोई तीर्थ यात्रा करने के लिए गया तो बड़ा विप्रो का सहारा बना छोटा विप्रा, बहुत सारे सहारा किया, इतना बड़ा सेवा किया जो सेवा का ऋण चुकाने का कोई हालत नहीं है। इतना बड़ा सेवा किया छोटा विप्र बड़ा विप्र के लिए, तो बड़ा विप्र आभारी बन गया और बोला हम तुमको ये
ये तुम जो सेवा किया इसके लिए आभारी हूँ मैं, और आपका हाथों में मेरा लड़की का संप्रदान करेंगे। हमारा लड़की का संप्रदान करेंगे तुम्हारा हाथ में। वो बोले नहीं, हो नहीं सकता, मैं नीचा खानदान का हूँ, तुम ऊंचा खानदान के हो ही नहीं सकता। जो भी है, इतना गहरा में मैं नहीं जाऊँ डिटेल्स में। वहाँ बाद में हालत ऐसा हुआ, जब तीर्थ यात्रा करके वापस आया, छोटा विप्रा अपना घर में गया, बड़ा विप्रा अपना घर में गया, लेकिन इतना दिन हो गया और बड़ा विप्रा भी विचार नहीं कर रहा है कि हमने वादा किया गोपाल जी के सामने अपना लड़की को इसका हाथ में दे। और घर में कभी ये बात को उठाया था जो झगड़ा पैदा हो गया। बोले नहीं, हो ही नहीं सकता, तुम लोग तुम अगर ऐसा बात बोलोगे तो हम जहर खा के अपना शरीर को छोड़ेंगे। बीवी बोल रहा है, लड़का बोल रहा है। बाद में ये तैयार किया जो छोटे विप्रा अगर आए तो देखा जाएगा, आगे आने दो पहले। अब छोटा विप्रा आया, बहुत दिन हो गया। बोले क्या बात है, कैसे कैसे आपने मेरे को भूल गया, इतना दिन हो गया, बात को उठाता क्यों नहीं, आपने बोला कि शादी दोगे, शादी दो। अब घर से लड़का पिताजी को सिखा दिया, तुम झूठा नहीं बोलोगे, इतना बोल देना बहुत दिन पहले का बात है, मेरा याद नहीं है, ऐसा बोलो, देगा नहीं ऐसा बोलने का दरकन, बाकी विचार हम कर लेंगे। जब ये प्रश्न उठाकर आया, पंचायत का बैठक हुआ, उसमें छोटा भी बड़ा विप्रो का लड़का और बड़ा विप्रो बोला जे अगर साक्षी को जो गोपाल है जिसका सामने हमने वादा किया था वो आके अगर साक्षी दे तो हम मान लेंगे। छोटा विप्रा विचार किया, प्रभु दयामय, प्रभु का हम बुलाने के लिए जाएंगे। बड़ा विप्र भी बड़ा भक्त है, वो जानता है भाग ठाकुर जी दयालु है और मेरा इज्जत बचाने के लिए जरूर आ सकता। और छोटा विप्रा गया उधर और गोपाल जी को साक्षी माना, तुम साक्षी हो महाजन, तुमको जाना पड़ेगा साक्षी देने के लिए। भगवान को बहुत सारे अर्चन किया, बहुत सारे वंदन किया, प्रार्थना किया, भगवान आकाशवाणी किया, अरे विग्रह चलता है तो जिंदगी में सुना है कोई? छोटा विग्रह बोलता है, अरे विग्रह चलता नहीं तो बोलता है कैसे? बोलता है तो चलता भी होगा, कैसे बोले? तुम बोल रहे हैं तो चलोगे भी जरूर, चलो जाना पड़ेगा। लास्ट में गोपाल राजी हुआ कि ठीक है हम चलेंगे। केजी एक मान केजी चावल का भोग लगाओगे, हम चलते रहोगे, पीछे लौट के देखोगे तो हम रह जाएंगे, हम जाएंगे नहीं। बोले ठीक है, सिर्फ हमारा पायल जो हमारा नूपुर है उसका तुम्हारा धनी से तुम्हारा अनुभव होगा कि मैं चल रहा हूँ तुम्हारा। ऐसे उधर आके जब उपस्थित हुआ तो पीछे मुड़ के देखा गोपाल रह गया। उधर एक विचार आया तो गोपाल जी बोल रहा है उधर, जहाँ हम साक्षी देने के लिए आया है, ये जो बड़ा विप्रो छोटा विप्रो को लड़का देने का वादा किया, ये जो विषय है बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु बहुत चर्चा किया, बड़ा आनंद उठा के, विग्रह नौ तुम्हें साक्षात ब्रजंद नंदन, सबसे बड़ा बात है। हमारा मठ मंदिर में जो विग्रह होता है वो विग्रह अगर महाजन के द्वारा प्रतिष्ठित हैं वो जरूर उसमें प्राण है, क्योंकि रामानुजाचार्य बहुत सारे इस विषय में बहुत सारे विचार प्रस्तुत किया। रामानुजाचार्य जी ने बताया जो शिव मंदिर में जो शिव विग्रह जो भगवत विग्रह कोई महाजन के द्वारा स्थापित नहीं होता है उसमें प्राण नहीं आता, उसमें दंडवत भी नहीं किया जा सकता, दंडवत करने का कोई विचार है ही नहीं। रामानुजाचार्य का बहुत सारे विचार उसमें है, उसका उपदेश वाणी में जो भी है। हमारा परंपरा में हमारा गुरुवर्ग का विचार का अनुसार ये जो विग्रह है ये साक्षात ब्रजंद नंदन, उसमें कोई संदेह नहीं है। और मायावादी का साथ हमारा विचार मिलता जुलता नहीं है, मायावादी का विचार हम ग्रहण भी नहीं करेंगे। जो भी है एकमात्र शब्द ब्रह्मों का द्वारा
अप्राकृत विग्रह का स्थापना हो सकता है। हमारा जो शब्द ब्रह्म, अगर शब्द ब्रह्म नहीं है तो ये जो विग्रह है कौन प्रमाण देंगे? मंदिर में कोई बोलता ये क्या है, इधर कौन खड़ा है? आज तक जो हमारा जिंदगी में जो नॉलेज जो ज्ञान आया है कहाँ से आया है? ये शब्द ब्रह्म से आया है। अगर शब्द ब्रह्म नहीं होता, कौन गौरांग है, कौन राधा रानी है, कौन कृष्ण है, हमारा कोई अनुभव का कोई बात ही नहीं हो। ये शब्द ब्रह्म उपस्थित है, शब्द ब्रह्म के प्रमाण के द्वारा गुरुवर्गों ने हमारा हृदय में विश्वास का पैदा कर दिया कि ये जो विग्रह है साक्षात ब्रजेंद्रनंदन है। शब्द ब्रह्मों का द्वारा ही, संकीर्तन के द्वारा ही ये विग्रह का प्रतिष्ठा हो सकता है, नहीं तो विग्रह का प्रतिष्ठा नहीं हो सकता है। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, इसका मतलब है नाम का साथ कृष्ण उपस्थित है। और सत्यतेता दापर इसी युग में भी नाम रूप में कृष्ण, नाम का साथ कृष्ण जरूर है। ये नहीं कि उस युग में नाम का साथ कृष्ण नहीं है, इस युग में है, ये माने नहीं है, वो युग में भी है। विशेष करके ये कलि युग में नाम रूप से कृष्ण उतर आया है, क्योंकि वस्तु का शुद्धि नहीं है और जो लोग भजन करे उसका हृदय का भी शुद्धि नहीं है। भगवान आए कि नहीं आए उसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन संकीर्तन अगर पक्का होए तो उसके द्वारा अवश्य भगवान उपस्थित होता। बहुत सारे प्रमाण हैं वेदांतों का इधर उधर से, अभी समय कम है, अभी इस विचार के द्वारा ही आपको ये विश्वास रखना चाहिए। यह मंदिर में जो काल विग्रह प्रतिष्ठा का विषय है, ये हमारा साक्षात ब्रजेंद्र नंदन काल से हमारा सेवा लेने के लिए विग्रह विशेष करके अनुग्रह करने के लिए उतर आया है। और जो मायावादी है, पाखंडी लोग है, वो विग्रह को मानता नहीं है, उसका लिए तो हमारा लिए कोई समाधान है ही नहीं। उत्तर को करो तो उत्तर को बढ़ते चलेगा, कोई लाभ नहीं है। जितना भी युक्ति दो, वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु विवचपतितानं पावन वैष्णवभ्यो नमो नमः।